रशियन लैंग्वेज में बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे भी यूज होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं यूज होते जैसे विदाउट विदाउट एक प्रीपोजिशन है नियर ये सब क्या है वहां पे वहां पे प्रीपोजिशन नहीं है लेकिन यहाँ एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है और इन सब के बाद जेनेटिव जैसे एग्जाम्पल देखो दिलिया दिलिया मीन्स फॉर 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 द बेनिफिट ऑफ बेज बेज मतलब विदाउट ओकला नियर ऊ हमने देखा था ऊ मीन्स वो मीन्स भी नियर मतलब हैव वाले सेंस में देन क्या है वोजले अथ फ्रॉम इज मतलब फ्रॉम स फ्रॉम द मतलब अप टूसले मीन्सर तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं सो so, इन सबके बाद हम क्या यूज करते हैं यह है। सब प्रिपोजिशन है सबसे पहले देखो दिलिया दिलिया मतलब फॉर दिलिया कवो फॉर हूम फॉर फॉर हू या फॉर हूज फॉर हूज फॉर वॉट दिलियावो दिलीव दिलिया फॉरवर्ड सो so, इसके मतलब फॉर बेनिफिट ऑफ मतलब जिससे किसी को कुछ फायदा हो रहा हो वहां पे अगर फॉर यूज करना है तो दल्या यूज करते हैं ठीक है और क्या फॉर के लिए था जा जास्तो है ना वो फॉरवर्ड वहाँ एक्टिव केस यूज होता था जा लेकिन यहां पे जो फॉर है इसका मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ सो या कुपिल दल्या सेस्त्री लेकारस्तवा सो so, यहाँ जो सेस्त्री है ये सेस्त्रा का जेनेटिव केस हुआ लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है लेकारस्तवा किसके लिए खरीदा गया सेस्त्रा के लिए सो वो क्या सेस्त्री हो गया तो दिलिया यूज हुआ दिलिया मतलब फ़ॉर सो so, उससे उसको बेनिफिट हो रहा है आई बॉट मेडिसिन फॉर माई सिस्टर मी खजी मी खचिम रबोता दल्या नरोदा वी वॉन्ट टू वर्क फॉर आवर पीपुल तो यहाँ फॉर के सेंस में नरोदो को क्या क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है ना बेनिफिट उसका बेनिफिट हो रहा है सो so, जो दल्या है वो उसका सेंस यही रहता है कि हो सकता है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ना हो होकर फॉर द बेनिफिट ऑफ लेकिन उसका सेंस ये है कि उससे किसी का कुछ फायदा हो रहा है कुछ बेनिफिट हो रहा है सेंस आप समझो यहाँ पे सेंस समझने की कोशिश करो ठीक है उससे आपको हो सकता है एग्जैक्ट आपको फॉर फॉर बेनिफिट ऑफ का ट्रांसलेशन न मिले आपको ट्रांसलेशन में एग्जैक्ट ना मिले लेकिन उससे आप ये समझो कि आपका सेंस वो होना चाहिए कि उससे किसी को कुछ बेनिफिट हो रहा है दिलिया बहुत फ्रिक्वेंटली uh, यूज होने वाला प्रिपोजिशन है रशियन लैंग्वेज में सो so, इसका मतलब फॉर और सेंस क्या रहेगा फॉर बेनिफिट ऑफ ठीक है चलो देन क्या है नेक्स्ट बेस बेस मीन्स विदाउट ठीक है तो बेस बेस कवो ठीक है विदाउट 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 वॉट या पिशु बेस अशीबक ठीक है इसके बाद जेनेटिव केस लग गया आई राइट विदाउट मिस्टेक्स बेस मतलब विदाउट या प्यू चाय बेस साखरा आई ड्रिंक टी विदाउट शुगर तो इनके बाद भी जेनेटिव केस ओकला ओकला मीन्स नियर ओकला मीन्स नियर हैव हैव है मतलब वो भी नियर ही है मेरे पास नियर भोजले मीन्स बाई मतलब उसके पास बाई सो so, ओकला दोमा बिल साध देर वॉज ए गार्डन नियर दी हाउस ओकला दोमा बिल साध ओ वाला तो आपको पता ही है वो कहाँ यूज होता है मतलब हैव के सेंस में या पास के सेंस में दोनों सेंस में या इस्तेयाल ऊ ओकना आई वॉज स्टैंडिंग बाई द विंडो ठीक है उमोरिया उमोरिया मतलब सी के पास सी साइड सो so, इन सब के बाद आपको यूज करना है जेनेटिव केस देन क्या है फ्रॉम के लिए देखो क्या क्या है फ्रॉम के लिए अत भी यूज होता है अत कवो अत कुदा अत कवो मतलब किसी के पास से आ रहे हो फ्रॉम होम फ्रॉम होम अत कुदा मीन्स फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर और इज और स देखो इज और सज भी इसका मतलब भी फ्रॉम है इज और स का मतलब भी फ्रॉम है देखो यहां से समझ में आएगा तो क्या क्या क्वेश्चन हुआ गजे सो so, गजे गजे के लिए क्या यूज प्रीपोजिशन यास्तयाल ऊअना गजे यास्तयाल यास्तयाल ऊ अपना सो ये गजे कहाँ पे हो गया जहाँ पे वर्ब ऑफ मोशन नहीं है तो वहाँ ऊ लगा के हमने किया कुदा कहाँ लगाया जहाँ वर्ब ऑफ मोशन है ठीक है वर्ब ऑफ मोशन जहाँ वहाँ कुदा सो so, या पदश्योल काकनु, ठीक है या पदश्योल काकनु, अत कुदा ये भी वर्ब ऑफ मोशन के साथ या अतश्योल अत अकना अत मतलब फ्रॉम आई केम फ्रॉम दी फ्रॉम दी विंडो मतलब मैं विंडो के पास खड़ा था वहां से मैं आ गया या अतशोल अतखना ठीक है या प्रिश्योल का द्रुगु मतलब वहां पहुंच गया मैं दोस्त के पास पहुंच गया या प्रिश्योल प्री मतलब पहुंचना तो या प्रिश्योल का द्रुगु या ईडू अत द्रुगा ठीक है मैं अपने दोस्त के पास से चला आया मैं अपने दोस्त के पास से चला आया अत मतलब फ्रॉम का मतलब टू ठीक है तो इसका मतलब भी फ्रॉम है स भी फ्रॉम है यहां पे स भी फ्रॉम है ठीक है अब कहाँ कहाँ देखो वो भी समझ में आएगा न और ना ना और वो आपको पता है ठीक है गजे के लिए गजे अगर नॉन वर्ब ऑफ मोशन है तो गजे आएगा कुदा है तो वर्ब ऑफ मोशन के साथ एक्जिव केस अतकुदा में देखो स स या वज्याल कनीगु सस्तोला सस्तोला तो फ्रॉम आई टुक बुक फ्रॉम द टेबल आई टुक बुक फ्रॉम द टेबल या या विनूल या विनूल उचेबनिक इज पर ठीक है या विनूल उचेबनिक इज पर्थफेला इक बुक फ्रॉम अटैची केस फ्रॉम अटैची केस सो फ्रॉम का सेंस है स और इज अब स और इज जो आपका ना वाला केस था वही चीज है ना मतलब टू होता है ऑन इन होता है और स और इज फ्रॉम होता है ठीक है तो जहां आप ना लगाते हो वहां के लिए स है जहां व लगाते हो जिसके साथ वहां के लिए इज लगाना है ठीक है तो जहां न का सेंस है वहां वहां पे फ्रॉम के लिए आप लगाओगे तो स आएगा और जहां व का सेंस है वहां फ्रॉम के लिए लगाओगे तो इज आएगा ठीक है दोनों का मतलब फ्रॉम और तो आपको पता है वर्ब ऑफ मोशन के साथ लगता है तो अत के साथ जब भी वर्ब ऑफ मोशन रहेगी तो एक चीज बड़ा अच्छा है आपके लिए उसके साथ वर्ब ऑफ मोशन रहेगी तो अत वाली रहेगी तो अत अतश्योल ठीक है अतश्योल अच, तो आप इसके बाद हंड्रेड परसेंट अत लगेगा ही अतश्योल अतखना अब आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा कि हाँ जहाँ पे अत नहीं लगा है वहां पे क्या अत लग सकता है क्या सो so आपको सेंस समझना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है या येजू अत रुगा मैं अपने दोस्त के पास से चला आया ठीक है मैक्सिमम जगह आपको अत अत वाली वर्ब आपको मिलेगी तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पद और पद और इसमें पद में तो सोचना नहीं है ठीक है क लग जाएगा प्री में आपको सोचना है कि वह लगेगा ओ लगेगा न लगेगा क्या लगेगा सो आप उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है आपको ठीक है जैसे जैसे वर्ब ऑफ मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जैसे प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा ठीक है तो अत आपको समझ में आ गया द देखो द मतलब अप टू द मतलब अप टू तो और द मतलब बिफोर भी है बिफोर अगर टाइम के सेंस में है और लोकेशन के सेंस में है तो द मतलब अप टू जैसे या श्योल द यूनिवर्सिटेता पिशकोम ठीक है आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी बाई वॉक ठीक है द मतलब अप टू अत मस्कवी द लेन इनग्राद शिदसोत किलोमीटर ठीक है फ्रॉम मॉस्को फ्रॉम मॉस्को टू लेनग्राड देर इज सिक्स हंड्रेड किलोमीटर इट्स सिक्स हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम मॉस्को टू लेनग्राड ठीक है अथ और द फ्रॉम टू तो द मतलब अप टू लगाओ देन टाइम के सेंस में भी द लगाते हैं मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा बिफोर वी पृली व द नचाला जनिया वी केम इन टू लेक्चर हॉल बिफोर लेसन बिगिन बिफोर का सेंस ठीक है तो द भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है पोसले पोसले मतलब तो सिंपल है पोसले टाइम के सेंस में यूज होता है बाद में कगदा पोसले लेक्सी पछली दमोए आफ्टर पोसले मतलब आफ्टर हर आफ्टर हर जगह ही है अबेदा ठीक है आफ्टर लंच चीरा चीरा अबेदा ठीक है यस्टरडे आफ्टर लंच ठीक है तो आफ्टरनून ये बोल रहे हैं ठीक है सो so ये आप समझो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है इसकी तो इन सब का मतलब फ्रॉम है अत एज तब इसका मतलब फ्रॉम और ये सब तो ये तो सिंपल है इनके बाद तो आपको जेनेटिव केस लगाना है उसके बाद सोचना ही नहीं हां ये इनके बाद जेनेटिव केस लगेगा ये याद रखना अत इज और स के बाद तो स कहां लगेगा जहां, जहां आप न वाला लगाते थे प्रीपोजिशनल केस में या इक्विज्यूटिव केस में और इज कहां लगेगा जहां व लगाते थे प्रीपोजिशनल और एक्विजुटिव केस में ठीक है देन क्या है द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंसर द क्वेश्चन अतकुदा ठीक है अतकुदा का आंसर क्या है अतसुदा फ्रॉम हियर अतुदा फ्रॉम देयर स्प्रावा स्लेवा ठीक है आप वर्ब ऑफ मोशन के साथ जो भी आप लगाते हो वो आंसर लगाओगे स्वेरख स्नीजू जो भी आप वर्ब ऑफ मोशन के साथ आंसर दे सकते हो वो आप अतकुदा के साथ लगा सकते अतकुदा मतलब फ्रॉम वेयर मतलब इसके साथ आपको वर्ब ऑफ मोशन वाले आंसर देने जो मैंने आपको एडवर्ब बताए थे एडवर्ब विथ वर्ब ऑफ मोशन वाले ठीक है जब वर्ब ऑफ मोशन वाला क्लास किया था तो सो so, यही सब था उसमें अतशुदा अतुदा स्प्रावा स्लेवा स्वेरकू स्नीजू ठीक है फ्रॉम द राइट फ्रॉम द लेफ्ट ठीक है तो अत का मतलब कहां से आप आ रहे हो अत कुदा फ्राम वेअर सो आंसर भी आपका उसी तरह रहेगा फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम डाउनवर्ड्स ठीक है सो so, देख लीजिए इसको आंसर अब देखो बहुत सिंपल है सो so, देखो आपको पता है वर्ब ऑफ मोशन है वर्ब ऑफ मोशन मतलब कोई चीज जब मोशन में है उसके साथ जो वर्ब यूज हो रही है तो वर्ब ऑफ मोशन अब आपको पता है कि प्रीफिक्स वर्ब ऑफ मोशन में लगाने से उसकी मीनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है सो so, जैसे इच्ची है इच्ची मतलब टू गो बाय वॉक ये खत है टू गो ऑन ए व्हीकल ठीक है ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर वर्ब ऑफ मोशन से पहले वो लग गया वो, वो लग गया ठीक है अब आपको पता है कि इंची के पहले बीच में वो घुसाता है एक के पहले बीच में साइन घुसाता है ठीक है ये हमने देखा था पहले सो so, वह लग गया मतलब कि इंटर करना किसी चीज के अंदर घुसना वाइची वाइची मीन्स टू गो इन टू मतलब टू गो इनटू, ठीक है उसके साथ क्या लग जाएगा वाइची व वा प्लस एक्सुटिव केस और आंसर किसका है कुदा का है ठीक है वाइची व वा कोमन ठीक है वाइची व कोमन ठीक है तो एंटर इन अ रूम सो इंटर करना So, व इची का अपोजिट क्या हो जाएगा वी ची जस्ट बाहर निकलना ठीक है सो so, ऐसे समझो मैं कमरे से था कमरे से जस्ट बाहर निकला तो क्या लग जाएगा वी ची टू गो आउट टू कम आउट और उसके वही वी ची इज भी लगा सकते हो इज प्लस जेनेटिव केस सो so, उसका आंसर क्या हो जाएगा अतकुदा कहाँ से आप बाहर निकले कहाँ से बाहर निकले तो वी ची इज कोम कॉमनत, कोमनती ठीक है तो आप कमरे से बाहर निकले और वी ची व लगा रहे तो आप गो इन टू और कम इन टू मतलब कमरे से आप बाहर जा रहे हो कमरे से आप बाहर जा रहे हो ठीक है सो so, यहाँ पे व प्लस एक्स्यूटिव केस भी लगता है वो आंसर क्या कर देता है कुदा ठीक है तो so, व मतलब एंटर वी मतलब बाहर ऐसे समझो देखो ये भी बता रहा है कमरे में घुसा ये और ये कमरे से बाहर आया ठीक है अब क्या है पद पद लग गया तो मतलब उसके पास तक जाना पद लग गया मतलब उसके पास तक जाना पदी प्लस डेटिव केस खुदा कमू है ना पदाइची मतलब पास तक जाना यहाँ ये ऑब्जेक्ट है इसके पास तक आप जा रहे हो तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो क प्लस डेटिव केस में ठीक है इसका अपोजिट अतिची किसी ऑब्जेक्ट से आप दूर जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हो अतैची प्लस अत अब यहाँ भी फ्रॉम का सेंस आएगा लेकिन यहाँ भी इज के साथ फ्रॉम का सेंस आता है लेकिन अतैची प्लस अत में क्या है कि आप अंदर नहीं थे उसके पास थे आप दूर जा रहे हो और यहाँ पे आप अंदर थे और उससे निकल के बाहर जा रहे हो ठीक है अतयची प्लस अत प्लस जेनेटिव केस ठीक है ये समझ में आ गया प्रीची अब देखो वैची मतलब भी टू था प्रीची मतलब भी गो इंटू है मतलब कम ही है लेकिन प्रीची क्या है बहुत दूर से कहीं से चल के आ रहे हो आप वीची क्या आप दरवाजे पे खड़े थे और अंदर चले गए प्रीची आप दूर से कहीं रीच कर रहे हो कहीं पे आप पहुंच रहे हो प्रीची प्रियखत अब कल का प्लस डेटिव केस भी आ सकता है और वह न प्लस एक्जिटिव केस भी आ सकता है टू कम टू टू अराइव कहीं से आप आ रहे हो दूर से आ रहे हो और इसी का अपोजिट प्री का ओ ईची मतलब कहीं पे आप पास में हो और दूर जा रहे हो ठीक है मैं यहाँ से निकल गया मैं यहाँ से गया दिल्ली के लिए तो मैं क्या लगाऊंगा ओइी व एक हत लगाऊंगा उसके साथ क्या लगाऊंगा इज यस सर जहाँ न वाला केस है वहाँ इज स लगेगा जहाँ वह वा वाला है वहाँ इज लगेगा ठीक है प्लस उसके बाद जेनेटिव केस और, और के प्लस एक्सुटिव केस दोनों अत कुदा और कुदा दोनों का आपको सेंस मिलेगा उची और उत ठीक है अभी आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो जब प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा अभी आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे सो ये आपको समझ में आ गया अब क्या है द इची भी है और भी बहुत सारे हैं अभी तो हम बेसिक बेसिक बता रहे हैं द इची मतलब द इची मतलब वहां तक पहुंच जाना कहीं दूर से आके वहां तक पहुंच जाना टू गो एज फार एज टू रीच ठीक है द दा प्लस केस दाइची द्लस दा दुदा का सेंस ठीक है सो so ये आप देख लो कि थोड़ा थोड़ा प्रिफिक्स चेंज होने से वर्ब ऑफ मोशन की मीनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होती है ठीक है ये एक दिन में आपको हो सकता है ना समझ में आए तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करो कि अभी वर्ब ऑफ मोशन का एक चैप्टर और आएगी आएगा ये तो अभी आप क्या है यूनी डायरेक्शनल वर्ब्स देख लो मल्टी डायरेक्शनल वर्ब में और भी चेंज हो जाता है तो अभी आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत करिए थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए जो जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है उसको तो समझ ही लो जहाँ पे डाउट है उसको बार बार प्रैक्टिस करो ढूंढ ढूंढ के जहाँ भी मौका मिले पढ़ो और अदरवाइज डाउट है तो मुझे बताना मैं उसके फिर और कुछ मैटर निकालूंगा थोड़ा टेक्स्ट और बढ़िया से निकालूंगा क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजिंग हो फिर एक क्लास हम लोग केवल वर्ब ऑफ मोशन पर रख लेंगे जो प्रिफिक्स आपको बताएगा ठीक है सो so अभी आप बेसिक बेसिक समझो कि यहाँ इसको चेंज करने से ये मीनिंग होती है और इसका मतलब ये होता है ठीक है ये कॉम्प्लेक्स है इतना ईजी नहीं है देन क्या है प्रीफिक्सेस ये तो पता है कि बीच में वो ओ लग जाता है ठीक है ना वाइची वश, वी, वी वश्योल तो ओ लग जाता है जहां पे और कहीं पे हार्ट साइन भी आ जाता है जो ये खत के साथ ठीक है ये आपको पता है ये आप पढ़ लेना अपने से भी तो एग्जाम्पल देखो कुछ मोजना वाईची ये आपको पता है व इची मतलब एंटर करना मे आई कम इन वीचे कम इन ठीक है इम्प्रेटिव हो गया कम इन। या कोम नतु। या वश्योल वश्योल आई एंटर्ड इनटू रूम आई एंटर्ड द रूम ठीक है या विश्योल इज कोमनती तो इसके बाद पता है जेनेट्यू कैसे लगता है आई वेंट आउट ऑफ द रूम मैं कमरे से बाहर आ गया सिंपल है ये सब तो क्लियर है कॉन्सेप्ट या विश्योल कॉरिडोर आई वेंट इन टू द कॉरिडोर ठीक है या विश्योल कॉरिडोर एक्चुअली यह कॉरीडोर से बाहर आने का सेंस है या विशोल्व कॉरिडोर या आप ऐसे समझो कि कमरे से निकल के कॉरिडोर में चला गया या विशोल्व कॉरिडोर हाँ कमरे में था कमरे से बाहर गया और कॉरिडोर में गया कुदा का सेंस है ना यहाँ पे तो अत था तो आप बताओगे कमरे से बाहर आया यहाँ कुदा है सो आई या विश्योल्व कॉरिडोर आई वेंट इन द कॉरिडोर कुदा का सेंस कमरे से बाहर निकला तो या विश्योल्व कॉरिडोर या पदश्योल कदस के सो पद मतलब टू वहाँ तक पहुँचना आई केम अप टू दैस्क बोर्ड है। या अतश्योल अत दस की आई स्टेप अवे फ्रॉम द डैशबोर्ड वहां तक गया फिर वहां से वह आया तो पदश्योल, पदश्योल के बाद क प्लस प्लस डेटिव केस केस के बाद अत दे देन और देखो या प्रिश्योल यूनिवर्सिटी आई रीच टू द यूनिवर्सिटी आई केम टू द यूनिवर्सिटी या प्रिश्योल या प्रिश्योल कब रांचू आई केम टू द डॉक्टर्स तो व और क दोनों का सेंस देखो का मतलब किसी आदमी के पास गया किसी इंसान के पास गया So, का प्लस डेटिव केस कहीं जगह पे पहुंचा कुदा के सेंस सो so, व प्लस एक्टिव केस या उश्योल इज यूनिवर्सिटी था सो आई वेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी ठीक है मैं यूनिवर्सिटी से निकल गया बाहर सो so, उशोल्प इज फ्रॉम सेंस ओन उश्योल सर बोती फ्रॉम दर्क लेफ्ट ऑफिस मतलब हो गया फ्रॉम दर्क ओन उजे उल ही ऑलरेडी लेफ्ट ठीक है ओनकल मस्कवी लेनिंग्रा ठीक है यहां दोनों देखो इज से निकला और लेनिनग्राद के लिए गया या दशोल था। या द द द द यूनिवर्सिटी 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 था था आई आई रीच्ड रीच्ड और इसमें क्या है वो हम तो आगे देखेंगे काक कैसे पहुंचेंगे स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे हाउ कैन आई गेट टू द स्टेशन काक मोशन दी दान सी ये सब फ्रेजेज आपको डेली यूज में आएंगे सो so, इनको आप रिमेंबर भी कर सकते हो ठीक है सो so, वर्ब ऑफ मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तीन चार क्लास में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो so, आज तो फर्स्ट क्लास है फर्स्ट आप नहीं सेकेंड बोल सकते हो एक दिन इच्छी एक हद देखा था सो so, देखो ये तो पता है वर्ब ऑफ मोशन एंड केसेस दे गवर्न सो गजे गजे में वर्ब ऑफ मोशन नहीं लगता है ठीक है कुदा और अतकुदा में वर्ब ऑफ मोशन लगता है ठीक तो गजे के साथ प्रीपोजिशनल केस लगता है कोई चक्कर ही नहीं है सिंपल है गजे के साथ ऑलवेज प्रीपोजिशनल केस लगा दो कुदा के साथ एक्विजिटिव केस भी लगता है डेटिव केस भी लगता है ठीक है और अतकुदा के साथ ऑलवेज जेनेटिव केस लगता है अतकुदा के साथ ऑलवेज जेनेटिव केस फ्रॉम वेयर ठीक है सो देख लो कुदा के साथ एक्विजिटिव केस स आपको पता है के साथ लगता है डेटिव केस जेनेटिव केस भी लगता है द के साथ केवल केवल द के, के, के साथ लगता है सेंस में जेनेटिव केस द के, के साथ ओनली लगता है अदरवाइज अतकुदा के साथ ऑलवेज जेनेटिव केस लगता है उदा के साथ एक और जेनेटिव ओनली विथ दी स्नेट्स नोइंग दो वग्जाला दवा किलोमीटर इट्स टू किलोमीटर्स टू द स्टेशन इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा इट इज इट के लिए आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा सो so, ये इनपर्सनल सेंटेंसेज हैं ठीक है कोई फिनोमिन हो रही है तो उसके लिए यूज करते हैं इद्योम इट्स स्नोइंग सर ठीक है ना दोस्तों ठीक है इट्स रेनिंग सो आप देख लो वर्ड ऑर्डर क्या है इन सेंटर इज डिक्राइबिंग नेचुरल फिनोमिन द सब्जेक्ट इज जनरली पुट एट द एंड ठीक है एंड में लगा देते हैं स्वेट इट्स सोल से सन इज शाइनिंग ठीक है इस टाइप से आप जो लगाओगे वो बाद में लग रहेगा ये तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप ध्यान दे लेना इसका फिर भी